तुनिशा शर्मा के मामले की खबर है, जहां पर तुनिशा का तो अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। लगातार शिजान खान से मुंबई पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। इसके अलावा जो है रिमांड बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जो है व्हाट्सएप चैट्स के बारे में जानकारी निकलकर सामने आई है। कुछ एक चैट्स जो है सीक्रेट गर्लफ्रेंड जिससे वो चैट किया करता था, उन चैट्स को उसने डिलीट कर दिया है, जिन्हें भी व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट कर पुलिस जो है रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस मामले में अब एक बड़ा बयान आया है, और बयान आया है सीधे कंगना रनौत का, जो अक्सर किसी न किसी विवाद में लगी ही रहती हैं। उनका रिएक्शन हमेशा किसी न किसी विवाद में आता ही रहता है, और इस मामले पर थोड़ा देर से ही सही कंगना रनौत ने चुप्पी तोड़ी है, और चुप्पी तोड़ते हुए एक बड़ी मांग की है सीधे देश के प्रधानमंत्री से। क्या कुछ कहा है कंगना रनौत ने वो आपको बताते हैं हूबहू उनके शब्दों में। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बैक टू बैक तीन पोस्ट जो है किए हैं। इन तीनों पोस्टों की जानकारी आपको बताते हैं। कंगना ने तुनिशा के मामले पर लिखते हुए कहा है कि एक महिला हर चीज का सामना कर सकती है, प्यार, शादी, रिश्ते, या यहां तक कि किसी अपने से बिछड़ने को भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन इस सच को कभी नहीं स्वीकार कर सकती कि उसकी लव स्टोरी में प्यार नहीं था। दूसरे आदमी के लिए उसका प्यार और कमजोरी सिर्फ शोषण के लिए एक आसान टारगेट था। उसकी वास्तविकता और असलियत पहले जैसी नहीं रह जाती, क्योंकि दूसरा व्यक्ति जो उस रिश्ते में था उसे इमोशनली और फिजिकली अब्यूज कर रहा था। तो ये बड़ी बात कही है शिजान को लेकर इन्होंने इशारों इशारों में। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि जब लड़की को हकीकत का पता चलता है तो वो अपनी समझ पर भी यकीन नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में उसे किसी भी चीज पर विश्वास करने में परेशानी होती है, उसका हर चीज से भरोसा उठ जाता है। ना अपनी समझ पर भरोसा होता है और ना ही दूसरे की समझ पर। तब उसे जिंदा या मुर्दा रहने का भी फर्क नहीं पता चलता। ऐसे में अगर लड़की अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला लेती है तो समझ लें कि उसने ऐसा अकेले नहीं किया, ये एक मर्डर है। अगर बिना वैध कारण दिए कोई किसी महिला या लड़की से ब्रेकअप कर ले तो उसे दंडनीय अपराध माना जाना चाहिए। किसी महिला पर एसिड अटैक या उसके टुकड़े करने वालों को भी तत्काल मौत की सजा दी जानी चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करती हूँ कि जैसे कृष्ण द्रौपदी के लिए उठे, जैसे राम ने सीता के लिए एक स्टैंड लिया, हम आपसे सहमति के बिना बहुविवाह, महिलाओं के खिलाफ एसिड हमलों और उन्हें टुकड़ों में काटने के खिलाफ कड़े कानून बनाने की उम्मीद करते हैं। ऐसे मामलों में बिना किसी ट्रायल के तत्काल ही मौत की सजा मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर कंगना रनौत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कृष्ण की भूमिका में आने के लिए कह रही हैं, भगवान राम की भूमिका में आने के लिए कह रही हैं, कि जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के लिए स्टैंड लिया, भगवान राम ने सीता के लिए स्टैंड लिया, कुछ उसी अंदाज में आप भी उन लोगों के लिए स्टैंड लें जो इस तरह के मामलों में मारे जा रहे हैं या किसी तरीके से फंस रहे हैं। कुछ खास मुद्दों की उन्होंने बात की, जिसमें उन्होंने श्रद्धा हत्याकांड का जिक्र किया, और साथ ही बिना वैध कारण बताए अगर कोई ब्रेकअप करता है, यानी कोई दो लोग अगर रिश्ते में हैं उनमें से एक शख्स जो है अगर ब्रेकअप करता है बिना वैध कारण बताए, तो वैध कारण की परिभाषा क्या होगी ये कंगना ने नहीं बताया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने अपील की है कि इसे लेकर एक कड़ा कानून जो है वो बनाया जाना चाहिए। इस पर कंगना की इस अपील पर आपकी क्या राय है, नीचे अगर कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर लिखें कि आपको भी लगता है कि इसे लेकर एक कुछ कानून बनने चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस मामले में आगे आना चाहिए। आपकी जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में अपनी बात को लिखना ना भूलें। धन्यवाद।